हेलो प्रिंस, मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर सुरसिनी। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्नैक्स रेसिपी, जो आप टी टाइम में ले सकते हैं, बच्चे लोग इवनिंग टाइम में खा सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एक पटाटो बॉईल किया हुआ, इसको ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा जिंजर, इसको भी ग्रेट करेंगे। 1 कप सूजी बस सेमोलिना, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम वाटर, पानी, थोड़ा सा नमक चाहिए और कोरिएंडर लीव्स। मैं गैस के ऊपर एक पतीला रखा है, इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रखेंगे, एक उबाल आ जाए। पानी में जितना आपको चाहिए नमक, मैं अभी 1/2 स्पून डाल रही हूँ। जिंजर भी ग्रेट करके डाल देंगे। पानी में उबल आ रहा है, गैस को बंद करेंगे और इसमें हम 1 कप सूजी डाल देंगे। इसको मिलाएंगे। अब इसको ढक के रख देंगे। पांच मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के रखना है, जिससे सूजी अंदर फूल जाए। वेट करेंगे। ये मैंने लिया है एक पटाटो, इसमें कोरिएंडर लीव्स को डाल देंगे। मेरा लीव्स सूख गया था, इसलिए मैं पानी में भिगो के रखा था। अगर बड़े इसको ले रहे हैं तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, छोटे बच्चे ले रहे हैं तो इसमें मत डालिए, क्योंकि जिंजर में भी तीखापन रहता है। मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ। अभी इसको खोल के चेक करेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पटाटो के साथ। इसको ऐसे मिक्स करना है। ये अभी हो चुका है। मैं यहाँ पे ऑयल लिया है, इसको अभी गर्म करने के लिए रखेंगे। इसका अभी छोटा छोटा पार्ट्स निकल के अब जैसे भी सेव करना चाहिए कर सकते हैं। राउंड बनाने हैं तो राउंड बना सकते हैं।
मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे बच्चे लोग खा सकेंगे। ये मैंने सारा फिंगर्स बना के रेडी कर लिया है। अभी मेरा ऑयल भी गर्म है, मैं इसे एक एक करके डालूंगी। ये है हमारा रवा फिंगर्स। आप इसको टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। आप बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।